मरने के बाद भी वो मरा नहीं, उसका भूत अपने कातिलों की तलाश में है। उसकी रूह रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को एहसास कराती है कि वो है विकास दुबे, कानपुर वाला। विकास दुबे की मौत के बाद से ही बिकरू गांव लगातार चर्चा में है और इसकी वजह है विकास दुबे। वही विकास दुबे जिसने अपने आतंक से पुलिस और सरकार की नाक में दम कर दिया था, और उसकी मौत भी ऐसी हुई जिस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन अब उसी विकास का भूत अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव वापस आ गया है। रात होते ही जब पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, तब विकास के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। कभी वो चीखता है, कभी वो रोता है, और कभी वो खुद की मौत का बदला लेने की बात करता है। रात में ऐसी डरावनी आवाजों से पूरा गांव वाकिफ हो चुका है और आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। स्थानीय पुजारियों का दावा है कि विकास ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो चुका है और अब सदियों तक उसी गांव में सबके बीच मौजूद रहेगा। तो दूसरी ओर गांव के लोगों ने इस नवरात्र में विकास की आत्मा की शांति के लिए खास पूजा की तैयारी की है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि क्या वाकई विकास दुबे अब मौत के बाद भी आतंक की नई कहानी गढ़ने वाला है? क्या विकास वाकई अपने कातिलों से बदला लेने की फिराक में है? क्या रात के सन्नाटे में उसकी रूह अपने कातिलों को पुकारती है? ऐसे कई सवाल गांव में रहस्य बनकर घूम रहे हैं। फिलहाल विकास की भटकती आत्मा को लेकर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही तमाम रोचक, रहस्यमयी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल द लॉलीपॉप से जुड़े रहें।